प्रदेश भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। अमेरिका से लौटे 73 यात्रियों में से 21 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सब्जियों की फसलों का भी अगले वर्ष से करवाया जाएगा बीमा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, सब्जियों के फसल के नुकसान की भरपाई भावांतर योजना के तहत की जाएगी। हिसार के बोस्टल एवं सेंट्रल जेल में कोरोना से बचाव के लिए अधिकारियों एवं कैदियों को आयुष विभाग द्वारा निशुल्क वितरित की गई होम्योपैथिक दवाइयां। और देश में कल से शुरू होंगी घरेलू विमान सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी गई हवाई सफर से बचने की सलाह। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। वंदे भारत मिशन के तहत हरियाणा के विभिन्न जिलों में अब तक 961 लोगों को लाया जा चुका है। वंदे भारत मिशन के हरियाणा के नोडल अधिकारी व आईजी पुलिस हनीफ कुरैशी आईपीएस ने बताया कि क्वारंटाइन का समय पूरा करने वाले 94 लोगों को उनके घर भेज दिया गया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका से पंचकुला लौटे 73 यात्रियों में से 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि 21 यात्रियों में से 3 अम्बाला, 4 कुरुक्षेत्र, 1 यमुनानगर, 8 करनाल, 2 जींद व 3 कैथल के हैं। उन्होंने बताया कि 17 यात्रियों को मुलाना मेडिकल कॉलेज, 2 को पीजीआई रोहतक व 2 को हिसार स्थित अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा। 2 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है, इसीलिए उन्हें पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में रखा जाएगा। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एम्बुलेंस में उनके निर्धारित मेडिकल कॉलेज में भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। 1 है, करनाल से 8 है, जींद से 2 और कैथल से 3। 73 में से 21 तो कंफर्म पॉजिटिव है, तो 2 का जो लैब है वो इनकंक्लूसिव या अभी येट टू बी कंफर्म्ड का स्टेटस है, तो उनको हमें अगर पंचकुला के आइसोलेशन वार्ड में रख लेंगे जब तक कंफर्म नहीं होता, क्योंकि वो भी पंचकुला के नहीं हैं, तो जब कंफर्म हो जाएगा उस हिसाब से उस जिले के मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगले वर्ष से सब्जियों की फसलों का अन्य फसलों की तरह बीमा करवाया जाएगा, ताकि सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को कोई नुकसान न हो। वर्तमान में सब्जियों की फसलों के लिए बीमा न होने के कारण किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। कृषि मंत्री ने तोशाम के किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी और खराब हुई टमाटर की फसल का जायजा लिया। किसानों ने कृषि मंत्री को बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती छोड़कर सरकार की बागवानी योजना से प्रभावित होकर टमाटर व अन्य सब्जियां उगानी शुरू की, लेकिन इस बार लॉकडाउन लागू होने पर मंडियां बंद रहीं और उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। कृषि मंत्री ने किसानों को उनकी बची हुई टमाटर की फसल के नुकसान की भरपाई भावांतर योजना के तहत करवाने और मंडी तक का आधा किराया प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने का आश्वासन दिया। भाई इनकी फसल देखने आया था, ये सही है कि इनको बड़ा भारी नुकसान हुआ है, लॉकडाउन की वजह से मंडी बंद होगी, ये अपनी फसल बेच नहीं पाए, टाइम पर जे फार्म भी नहीं कटवा पाए, और कुछ फसल तो इन्होंने बाद दी है, कुछ फसल इनकी अभी बरकरार है। जो इनकी फसल तैयार है इसको फसल बिकवाएंगे, जे फार्म कट के जो भावांतर भरपाई की योजना है वो पैसा इनके खाते में डलवाएंगे, और जो इनका किराया भाड़े के विषय है उसमें भी सब्सिडी दिलवाएंगे, आधा पैसा जो है सरकार से दिलवाएंगे। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक हिसार यूनिट के द्वारा शहर की बोस्टल व सेंट्रल जेल में होम्योपैथिक की दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया, ताकि जेल में कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। सेंट्रल जेल हिसार के चिकित्सक डॉक्टर सुशील गर्ग ने बताया कि जेलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी जेल कर्मचारियों व कैदियों को होम्योपैथिक दवाई निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि जेल को समय समय पर सैनिटाइज भी किया जाता है। हिसार नागरिक अस्पताल की होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर नेहा बिदानी ने बताया कि आयुष विभाग के आदेश अनुसार हिसार के सभी बैंकों व जेलों में होम्योपैथिक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया है। हिसार यूनिट की तरफ से इन ग्लोब्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है।
हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1200 बंदी हैं और 200 से ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये हमारे को आज IHF हिसार यूनिट की तरफ से ये दवाई प्रोवाइड करी गई है। तो 1200 बंदियों को हम सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 200 एम्प्लॉइज़ को भी आगे ये आने वाले समय में ये दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। COVID-19 जो एक बहुत बड़ी महामारी पूरे देश में फैली हुई है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दी है, जिससे कि बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, जिसका नाम आज CCH ने अप्रूव किया है। उसी के बाद ये दवाई सभी जेलों में, सभी बैंकों में हिसार के बांटी जा रही है। हमने बॉस्टन जेल के कम से कम 1300 कैदियों को कवर किया है, सेंट्रल जेल के 1200 कैदियों को कवर किया है और सभी बैंकों के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें ये दवाई दी गई है। कल से देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। कल राजधानी दिल्ली से पहली घरेलू उड़ान सुबह 4:30 बजे रवाना होगी। हालांकि महाराष्ट्र ने कहा कि 31 मई तक घरेलू उड़ानें राज्य में बंद रहेंगी। पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से 31 मई तक राज्य में उड़ानें शुरू न करने के लिए आग्रह किया है। इस बीच अन्य राज्यों ने विमानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के लिए नियम बताए हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर स्थगित घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी के तहत एयर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट की सफाई करने जैसी तमाम सावधानियां बरत रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कल से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक यात्रियों को उड़ान के वक्त से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। साथ ही निजी वाहन के जरिए हवाई अड्डे आने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को हवाई सफर से बचने की सलाह दी गई है। सभी यात्रियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। निर्देशों के अनुसार यात्रा के दौरान एक ही हैंडबैग की अनुमति दी जाएगी और इसके साथ ही एयरपोर्ट पर ट्रॉली का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने COVID-19 के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा मासिक आधार पर ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी फंड न लिया जाए। उन्होंने बताया कि अगर कोई अभिभावक अप्रैल व मई 2020 माह की ट्यूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है तो स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा इस अनुरोध को स्वीकार किया जाए। बाद में ये 2 माह की ट्यूशन फीस आगामी 3 महीनों में बराबर किश्तों के आधार पर जमा करवा ली जाए। सभी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस में वृद्धि न करने, लॉकडाउन की अवधि का यातायात शुल्क न वसूलने, स्कूल यूनिफॉर्म व पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशन पर टिकट आरक्षण काउंटर फिर से शुरू करने पर लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ भारतीय सेना के जो जवान छुट्टी पर आए हुए थे और लॉकडाउन के कारण वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे थे, वे भारतीय रेलवे द्वारा टिकट बुकिंग की सूचना मिलते ही कैथल के रेलवे स्टेशन पर अपनी टिकट बुकिंग करवाने पहुंचने लगे हैं। कैथल जिले के सुनील कुमार और मनोज ने कहा कि ट्रेन की बुकिंग करवाने आए हैं ताकि हम अपनी ड्यूटी पर वापस जा सकें। कैथल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर चिराग वालिया और टिकट बुकिंग क्लर्क दलबीर सिंह ने कहा कि रेलवे विभाग के आदेश आते ही हमने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है और टिकट बुक करवाने वाले लोग लगातार रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं और वे सभी बड़े खुश हैं। हम अपने घर जा सकते हैं, अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आसाम जाना चाहता हूं। रेलवे ने आज टिकट की ऑनलाइन बुकिंग चालू किया, इससे मैं बड़ी खुशी जता रहा हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। सरकार का आदेश आए हैं कि हमने जो अभी 200 श्रम वो ट्रेन चलाई है स्पेशल ट्रेन, तो उनके लिए हमने बुकिंग खोल दी गई आज से सुबह से और यहाँ रिजर्वेशन वाला काउंटर खोल दिया और बार बुकिंग चल भी रही है। टिकट बुक कराने वाले काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कुछ कैंसिल कराने भी आ रहे हैं। अभी कैंसिल का कोई मैसेज नहीं आया, कैंसिल कर नहीं रहे हैं अभी, पर बुकिंग अभी से हो गई है शुरू। रेलवे से आदेश आ चुके हैं कि जो स्पेशल 200 ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं उनकी बुकिंग के लिए, और लोग अभी काफ़ी खुश हैं और लोग बुकिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी कैंसिलेशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। जैसे आदेश आएंगे तो हम उनको भी कैंसिल के लोगों को सुविधा देंगे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनों व बसों के माध्यम से उनके गृह राज्यों में भेजा जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यमुनानगर जिले के जगाधरी से बिहार के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई गई।
उपायुक्त ने बताया कि रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद श्रमिकों की मेडिकल जांच की गई और जिला प्रशासन द्वारा उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। रवाना होने से पहले उन्हें मास्क व सैनिटाइजर भी दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला पुलिस और रेलवे पुलिस मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इससे सुबह इनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद आज बसेस के द्वारा लाया गया है और यहाँ पे भी फूड पैकेट्स, पानी की बोतल, फ्रूटी वो सब दिए जा रहे हैं ताकि सफर में इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। अभी हमारे पास जो रजिस्टर्ड लेबर्स हैं उसमें से जो जो भी इच्छुक हैं, क्योंकि बहुत से श्रमिकों ने अपनी अब इच्छा यहीं पर रहने की व्यक्त की है, तो जो भी इच्छुक श्रमिक जाना चाहेगा उनके लिए हम ट्रेन की व्यवस्था जरूर करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही सीट्स अलॉट की गई हैं हर एक कोच के अंदर ताकि आप बराबर बैठते हुए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। प्रशासन और पुलिस मिलकर के एक व्यवस्थित ढंग से इसको हम अंजाम दे रहे हैं। बसों में प्रवासियों को यहाँ लाया जा रहा है विभिन्न शेल्टर होम से और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए उनको अलग अलग डब्बों में बैठाया जा रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है GRP उसके अधिकारी भी मौजूद हैं। तो सब में आपस में तालमेल करके और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के उनको ट्रेन में बैठाया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों ने बताया कि वो काफ़ी समय से अपने गृह निवास में जाने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन चलने पर उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। आए हुए यहाँ पे काम कर रहे थे, अब घर जा रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी है। हम इस सरकार को और पुलिसकर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे काफ़ी मशक्कत के बाद हमारे घर पहुँचा रहे हैं। 15 रोज हो गया था इसे ही भटकते, उसके बाद हम लोग आए, मेडिकल हुआ, आधार कार्ड लगा, उसके बाद इधर बस से लाकर इधर को छोड़े हैं। तो आज खुशी है घर जाने की? हाँ, बहुत खुशी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर KP सिंह ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से अपने 1 महीने के मूल वेतन का 10% हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दिया है, जिसकी 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक आज विश्वविद्यालय के कुलपति ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को सौंपा है। वहीं सोनीपत के निजी स्कूलों के छोटे बच्चे भी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपने गुल्लक की जमा पूंजी को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी को दान दिया है। रेडक्रॉस सचिव ने कहा कि छोटे छोटे विद्यार्थियों का ये कार्य अनुकरणीय है। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। जींद जिले में अभी तक 7,08,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उपायुक्त डॉक्टर आदित्य दहिया ने बताया कि संबंधित एजेंसियों को गेहूं के उठान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को गेहूं बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। सभी मंडियों में कोरोना से बचाव और किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि सभी किसान बीमारी से बचने के लिए मंडियों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें व मुंह पर मास्क या गमछे का इस्तेमाल जरूर करें। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। अमेरिका से लौटे 73 यात्रियों में से 21 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सब्जियों की फसलों का भी अगले वर्ष से करवाया जाएगा बीमा। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा, सब्जियों की फसल के नुकसान की भरपाई भावांतर योजना के तहत की जाएगी। हिसार के बोस्टल एवं सेंट्रल जेल में कोरोना से बचाव के लिए अधिकारियों एवं कैदियों को आयुष विभाग द्वारा निशुल्क वितरित की गई होम्योपैथिक दवाइयां। और देश में कल से शुरू होंगी घरेलू विमान सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी गई हवाई सफर से बचने की सलाह। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।